हम लोगों को बोलते हैं नीतीश चाचा का कहना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वही बेटियां रोड पे खड़ी है। कहाँ है नीतीश चाचा? आज चाचा को दिखना चाहिए ना कि भतीजी लोग रोड पे खड़ी है। नीतीश चाचा कहने के लिए चाचा हैं, ऐसे ऐसे चाचा रोड पे मिलते हैं। देखिए हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से 21 दिन आंदोलन किए हैं, लेकिन अभी तक मेरा विज्ञप्ति जारी नहीं हुआ, जबकि जुलाई के अंतिम सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी करने की बात शिक्षा विभाग के द्वारा कही गई थी। नियमावली मेरा बनकर तैयार है, कैबिनेट बैठा करके नीतीश चाचा जल्द से मुहर लगा करके, लेकिन टाइम लगेगा, 2 महीने टाइम लगेगा। हम 2 महीने का वेट नहीं करेंगे, हमें विज्ञप्ति दे दें, उसके बाद 2 महीने का टाइम ले लें। और 2 महीने से ज्यादा का एक दिन भी टाइम हम लोग नहीं देंगे। ये हम लोग को हक चाहिए, हक के लिए यहाँ बैठे हुए विज्ञप्ति जारी करते हम लोग पीछे चले गए। तो ये पटना के डाक बंगला चौराहे का जो है आप विजुअल देख रहे हैं, और यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो महिला है वहाँ पर बैठी हुई हैं, सब शिक्षक अभ्यर्थी हैं अपनी मांगों को लेकर के लगातार। जब देखिए कि पटना के डाक बंगला चौराहा पर चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी अभ्यर्थी परेशान हैं 3 साल से। और यहाँ देखिए, क्या नाम हुआ? मेरा पूजा अग्निहोत्री नाम हुआ, हम नालंदा जिला से हैं सर जी। आपकी तो गृह जिला से नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश चाचा कहने के लिए चाचा हैं, ऐसे ऐसे चाचा रोड पे मिलते हैं। हम लोगों को बोलते हैं नीतीश चाचा का कहना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वही बेटियां रोड पे खड़ी है। कहाँ है नीतीश चाचा? आज चाचा को दिखना चाहिए ना कि भतीजी लोग रोड पे खड़ी है, रोड पे बैठी है, तो कहाँ है? अपने एसी में बैठा है, हम लोग को धुप्पा में छोड़ दिए हैं। ये कहाँ के चाचा हैं? ये कौन से चाचा हैं बताइए? विकास पुरुष कहाँ से विकास पुरुष है? हमको तो नहीं लग रहा है। अभी तक भी धक्का मुक्की खाईते आए हैं, पटना अगर आए हैं तो इतना भीड़ चल रहा है। हम लोग जहाँ से आते हैं विकास कर रहे हैं, वहाँ से मात्र एक एक ट्रेन अभी तक चलाए हैं। हम लोग बोलते हैं कि नालंदा जिला से हैं, धक्का खाईते आए हैं। रेल मंत्री रहे चाहे कुछ भी रहे, वो सिर्फ नाम के सरकार है। मेरे को तो समझ में नहीं आती, वो पहले खुद सोच ले कि मेरे को किस पार्टी में रहनी है। सारा पलटू तो खुद है, पहले खुद को तो समझ में ना आए कि मैं कहाँ रहूं। वो क्या हम लोग का चाचा और काहे का भतीजा? कोई चाचा भतीजी कुछ नहीं, सब बस मेरे को विज्ञप्ति चाहिए। विज्ञप्ति हम लोग को दे तो हम लोग माने कि हाँ वो सरकार है, अन्यथा हम लोग वैल्यू नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे सरकार को हम लोग विज्ञप्ति नहीं है, हर हाल में विज्ञप्ति चाहिए। विज्ञप्ति हमको आज चाहिए, नहीं तो इससे भी अग्र रूप हम लोग धारण कर सकते हैं। एक चीज बताइए, सरकार अपनी तरफ से ये बात बोल रही है कि अभी 7 दिन हुआ है, आप लोग पिछले दिनों सरकार वही है सर जी। पहले मैं कंफर्म कर दूं कि सरकार वही है, ठीक है? इसलिए तो मैं बोल रही हूं कि सरकार वही है, सिर्फ इसका रवैया चेंज हुआ। इसको बोल सकते हैं कि ये रवैया चेंज किया है, पहले वादा किया अब मुकर रहा है, इसको आप रवैया चेंज बोल सकते हैं। वादा किए थे कि पहला कैबिनेट में सरकारी नौकरी, तो दे ना 10 दिन का 20 दिन का टाइम क्या मांग रहे हैं? अभी तक सरकार समझ में नहीं आई है क्या? पहले से ही आप दोनों चाचा भतीजा हैं, हम लोग को नहीं चाचा, हमारे चाचा नहीं है वो, हम लोगों के उन लोगों के चाचा भतीजा हैं। तो आप लोग समझिए, आप लोग तो एक ही है ना, इसीलिए तो यानी घूट पीट दोनों में पहले से हो रही थी, तभी तो आप इसके तरफ हुए। तो 10 दिन आप सरकार सोचने का क्या टाइम लेते हैं? सोचिएगा क्या? बस विज्ञप्ति जारी कीजिए, तभी तो बोले पहला कलम से नोटिस जारी करने का वादा किए थे, तो दीजिए नोटिस, फिर सोचने का क्या टाइम चाहिए? हम लोग खुद गए थे शिक्षा मंत्री से मिलने, मैं खुद मिल के आई हूँ फेस टू फेस। वो मेरे से बोले मेरे को 10 दिन का सोचने का टाइम चाहिए। अभी मंत्री लोग मेरे से मिलने आ रहे हैं, पहले मिल ले। अरे मिलना तो पहले दूर की बात है, पहले हम लोग को नोटिफिकेशन, पहले काम कीजिए, अपना ही सब पद मिल जाएगा सर, काम कीजिए, बिना काम के मिलने